रुक जाओ आदिल, ऐसा सोचना भी मत। आयशा, हमारे दरमियान अब इसकी क्या जरूरत है? हमारे दरमियान अब बस यही बाकी रह गया आदिल। मैं सफीना को बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे तभी बात कर सकती हूँ जब तुम। आयशा, मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफरत, और तुम्हारे चेहरे पे अपने लिए रहम देखना चाहता हूं। मेरी आंखें तो अब तक आंसुओं से भी खाली हो चुकी, और मेरा चेहरा इसे तो शायद अपना खुद भी नहीं पहचान सकता। मुझे कभी माफ मत करना आयशा, कभी। ना तो तुम्हारी मोहब्बत मेरी नसीब में थी, और शायद ना ही तुम्हारी माफी। मैंने कभी तुम्हें खुद से अलहदा नहीं समझा था आदमी, कोई अपने आप से भी नफरत कर सकता। मैं कर सकता हूं आयशा, और शायद आज के बाद मैं हर रोज अपने मरने की दुआ करूंगा। मुझे भी शायद बस दुआ ही करनी चाहिए थी। प्लीज आयशा। आदिल, आयशा मेरी तरफ देखो। आदिल चले जाओ यहां से। अच्छा, मैं तुम्हारी आंखों में जाकर देखना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे तुमसे नहीं मिलना चाहिए था। गलती तो मुझसे हुई आयशा, पर अब मैं ही इसे ठीक करूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं आयशा। मैंने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, और इस दफा भी मैं ऐसा ही करूंगा। और ऐसा कब किया था तुमने? आयशा, मैंने पहले भी नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया, और इस दफा भी मैं ऐसा ही करूंगा। और ऐसा कब किया था तुमने? शायद आप भूल रहे आगा जी, आयशा को यकीन था कि मेरी और उसकी शादी नहीं हो सकती, मगर फिरोजे से आयशा बनने का फैसला उसका अपना था। तुम तो बुजदिलों की तरह उसे लेकर छुपे बैठे थे। आप क्या क्यों आए आगा जी? इसलिए कि मैं जानता था कि तुम एक बार फिर हद से भरने की कोशिश जरूर करोगे। घर जाओ आगा जी। मैं आयशा से। मैंने कहा ना कि घर जाओ, और आइंदा मेरी इजाजत के बगैर आयशा से मिलने की कोशिश मत करना।
रवैये की माफी मांगकर मैं तुम्हें किसी इम्तिहान में नहीं डालना चाहता। ये आप कैसी बात कर रहे हैं हसीब? मेरी बात गौर से सुनो बेटा। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं, इसके मतलब तुम जो चाहोगी मैं दूंगा। मुझे आपसे सफीना के लिए माफी के सिवा कुछ नहीं चाहिए आका जी। पहले ये सुन लो बेटा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, फिर तुम शायद अपना जहन बदलना चाहो। जहन बदलने के बाद भी जिंदगी तो वैसी की वैसी रहेगी ना। जिंदगी बदल जाएगी आशा, मैं चाहता हूं कि तुम साइरस से शादी कर लो। आयशा के साथ हुआ है उसके बाद तो मुझे यकीन होने लगा है कि आदिल ना तो आयशा के काबिल था और ना ही तुम्हारे। वो चाहते हैं कि इद्दत पूरी होने के बाद मैं तुमसे शादी कर लूं। आयशा ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। वैसे भी जब तक इद्दत पूरी नहीं हो जाती ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। तुमने कभी ये सोचा है कि मैं क्या चाहती हूं, किसे चाहती हूं, क्यों चाहती हूं? देखो आदर, एक बात याद रखना, अब मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई नहीं आ सकता।